राजधानी रायपुर में फर्स्ट टाइम वोटर मैराथन का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन युवा कांग्रेस और एनएसयूआई नए मतदाताओं को जागरूक करने करा रही है। 30 अक्टूबर को रायपुर के तेलीबांधा तालाब मरीन ड्राइव से गांधी मैदान तक मैराथन दौड़ का आयोजन होगा। राजीव भवन में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि युवा कांग्रेस और एनएसयूआई द्वारा नए मतदाताओं को जागरूक करने 30 अक्टूबर को मैराथन दौड़ की जाएगी। पिछले 15 साल में हमारी सरकार बनने के पहले छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी में युवाओं के लिए द्वार बंद कर दिए गए थे। आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियां होती थी, युवा दर दर भटक रहे थे। 2018 में राज्य की बेरोजगारी दर 22.5% से भी ऊपर थी, जो आज 0.5% है। हमारी सरकार बनने के बाद 85,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में भर्तियां की गई, 5,00,000 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर दिए गए, 727 से अधिक स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले गए जिसमें भी युवाओं को नौकरी के अवसर मिले, 8 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए, 4 खुल चुके हैं, 4 खोलने की प्रक्रिया शुरू है। एलएन के माध्यम से युवाओं को नीट की कोचिंग देने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की, शिक्षित बेरोजगारों को एक तो सिर्फ 0.5% बेरोजगारी दर, उसमें भी शिक्षित बेरोजगारों को 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने शुरू किया, सभी महाविद्यालयों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले यह सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार ने किया, 10 नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के महाविद्यालय खोले गए, PSC और अन्य परीक्षाओं में आवेदन के लिए पूरी तरीके से शुल्क को माफ किया गया, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से युवाओं को स्वावलंबी बनाने के सार्थक प्रयास किए गए। अब जब हम चुनाव में हैं, ऐसे समय जबकि छत्तीसगढ़ में नए वोटर की संख्या चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के हिसाब से लगभग 18,00,000 है, तो इन 18,00,000 युवाओं को उनकी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना एक राजनीतिक दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी का कर्तव्य बनता है, और आज अपने उसी कर्तव्य को आगे बढ़ाने के लिए हम सब यहाँ पे आए हैं।